बिल्कुल देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये भाव है। और वैसे तो जब भी मैंने गाना देखा तो आंखें नम हो गई, लेकिन आज गला भी कहीं ना कहीं भर आया। उसका एक ही कारण था, क्योंकि आज हम सबके साथ जो है अनुराधा मैम है, शहीद कैप्टन विनायक की जो माँ है, तो आई फील कहीं ना कहीं इन्हें देख के ज़्यादा आंखें नम हो गई। क्योंकि हम एज एन एक्टर जो फील करते हैं स्टेज पर या सेट पर, वो अलग होता है, वो हम फील करते हैं, लेकिन इन्होंने जो फील किया उसे शायद उसके लिए शायद शब्द भी कम पड़े, क्योंकि ये रियल है और हम रियल हैं, हम रियल हीरो हैं, ये रियल हीरो हैं। जैसे मैंने अभी मैम से कहा कि इन्होंने एक वीर योद्धा को जन्म दिया, ये इनका सौभाग्य, और मेरा और सर का सौभाग्य था कि हमें मौका मिला कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। एक्टर की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आना, आई थिंक, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो आई थिंक ऊपर वाला भी चाहता है कि आप उसके साथ जुड़ें, और ख़ास करके जब देश के लिए हो, तो इससे और आई थिंक सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। तो आई थिंक डेफिनेटली ये हमारी कोशिश थी कि हम देश के लिए कुछ करें। अब आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी तरफ से जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो, गाने को देखिए और गाने से आप प्रेरित होइए, इंस्पायर्ड होइए। देश के लिए हम जितना करें, आई थिंक, मैं कहता हूँ हमेशा, उतना कम है। तो एज एन एक्टर ये मेरा कर्तव्य था, बाकी देश है, आप लोग हैं। सर, अपने किरदार को निभाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी, क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी, अगर उस बारे में कुछ बताया? वैसे मतलब कोई डायलॉग तो नहीं था, लेकिन इमोशंस बहुत सारे थे। नहीं, देखिए, डायलॉग नहीं था, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट डायलॉग था जो लास्ट में था, उस डायलॉग के लिए मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ी। वो तैयारी थी यहाँ से, वो जय हिंद बोलने में मैंने जो फील किया, शायद मैंने कभी नहीं फील किया वो आज तक मेरे करियर के 18 सालों में। तो आई थिंक वो जय हिंद जो मैंने बोला, तब मुझे समझ में आया कि क्या भाव है जो देश के लिए है, और देश के लिए हम जितना अर्पण करें उतना कम है भाई, देश तो देश है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। शरद भाई, जैसे अर्शद सर ने कहा कि बहुत कम प्रोजेक्ट्स कर ले आप, लेकिन जब इस तरह का प्रोजेक्ट आता है तो लगता है कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट एक स्पेशल प्रोजेक्ट भी होता है जिसके लिए आपने हाँ कही। बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्टर की जिंदगी में बहुत सारे किरदार आते हैं, उसके जो करियर का जो स्पैन है, लेकिन ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग आना या ऐसा कुछ आना जिसके लिए वो हमेशा एकदम चाहता हो कि देश के लिए कुछ करे, एज ए सिटीजन भी, एज ए नागरिक भी, एक्टर तो बहुत दूर की बात है। तो आई थिंक जब मुझे ऐसा मौका मिला, जब मुझे ऐसा मौका दिया सर ने, तो मैंने कहा नहीं सर, ये तो मैं ही करूँगा। और फिर उसके बाद तैयारी स्टार्ट होती है, क्योंकि आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। अब यूनिफॉर्म का जो अपना एक गर्व है, अपना एक जो प्राइड है, उसकी जो गरिमा है, वो तो शायद मैम से बेटर कोई समझेगा नहीं। मैम को ही पता है उस यूनिफॉर्म की जो खासियत थी वो क्या थी। मैंने जब पहना यूनिफॉर्म, तो मैं कहता हूँ आज भी सर से कि वो जो 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 आपकी चेस्ट है, जो वो 36 से 38 हो जाती है, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, सब अपने आप चेंज हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता, ये उसका पावर है यूनिफॉर्म का। तो यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला, और सीधा क्या चाहिए। आई थिंक किस्मत थी कि सर ने मौका दिया, और आज जब लोग देखते हैं, लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज़ गाने को देखिए, गाने को शेयर कीजिए, और कल हमारा 78th इंडिपेंडेंस डे है, तो आई थिंक इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था कि आज सीता वाटिका के जो इतने कमाल, जो इतनी जो इनकी सोच है, जो टीम है, मिश्रा जी और त्रिपाठी जी की, आई थिंक जब इन्होंने आज हम सब ने सोचा कि ना कोलैबोरेट करके कुछ हम देश के लिए भी करें, ये लोग कर रहे हैं अपने तरीके से। जैसे प्रॉफिट की जो अर्निंग होगी, उसका 5% जो है वो देश के शहीदों के नाम, जो हमारी सेना है उनके नाम है। तो आई थिंक सब लोग देखिए, सब इंसान जो है वो कुछ ना कुछ करना चाहता है देश के लिए, हर एक नागरिक वो कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है। तो ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन था, हम जितने लोग हैं यहाँ पे, बाकी आप लोग करते रहिए हर रोज़ कुछ ना कुछ। जो प्रोडक्ट है हमारा, जैसा कि बताया है कि शुद्धता और जो प्योरिटी और जिस ढंग से वो प्रोडक्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसकी प्रामाणिकता के लिए कोई दिन सुनिश्चित करना था। और मुझे नहीं लगता कि आज़ादी वाला दिन, जिस दिन हमारे देश या हम सब लोगों को आज़ादी मिली लंबे संघर्ष के बाद, तो 15 अगस्त से बेहतर कोई दिन हो सकता था।
और हमको हमेशा वो प्रेरणा देता रहेगा वो दिन जिस दिन हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कि हम उस निरंतरता को कायम रखें, वो पवित्रता शुद्धता जो इस दिन की है वो हम अपने प्रोडक्ट के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आखिरी सवाल आदित्य जी आपसे करना, हम लोग देखते हैं अक्सर, चाहे वो हमारे फौजी जवान हो या जवान जो जनरेशन है वो है, बहुत सारे केमिकल्स का शिकार हो रही है आजकल, हम देख रहे हैं खाने में वो अलग अलग जगहों पर, लेकिन ये जो एक टैगलाइन है नो एडेड कलर एंड केमिकल, ये कैसे आपने मतलब अपने जहन में लाया कि ये हम लोग बनाएंगे ताकि स्वस्थ भी रहे, स्वास्थ्य भी रहे। जी बिल्कुल, तो इसके लिए हमने काम चालू किया था 2021 में, एंड हम उसमें काफ़ी रिसर्च करते रहे और हमें समझा कि हम कोई भी, तो जनरली लोग अपना शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल्स और यू नो कलर्स माइट बी दे आर एडिंग इट, बट हमारा चाहत ये थे कि हम ये सब ना मिलाएं। उसके लिए हमने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी तरह से उसे प्लान किया, और जब हमें लगा कि हाँ दिस इज द सही राइट टाइम कि हम लॉन्च कर सकते हैं इसे, एंड हम कह सकते हैं दैट वी हैव नॉट एडेड एनी कलर्स एंड केमिकल्स, तो प्रॉब्लम वही है कि अब बच्चे भी खाना खाते हैं घर में, तो सब फैमिलीज और सभी लोग ये यूज करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज में, और केमिकल्स कलर्स ये बहुत मतलब गलत है अपनी बॉडी के लिए, डे टू डे अगर हम खा रहे तो इम्पैक्ट करेगा। तो हमारा यही अप्रोच था कि कुछ भी करके हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो शुद्ध हो, जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो। सो या दैट्स द रीजन फॉर दिस। सुधांशु जी, अपने बिजनेस में से 5% कंट्रीब्यूट करना शहीदों के लिए, तो ये ख्याल जो है, ख्याल कहाँ से आया और इसके दिशा में जो आपने जो कदम उठाया वो कैसे, ये कैसे मुमकिन हुआ? एक्चुअली जो चीज मैं करना यहाँ पे चाहता हूँ कि हम उस परिवार से संबद्ध हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हमारा परिवार की संबद्धता फ्रीडम फाइटर्स से है जो हमारे परिवार या रिश्ते में रहे हैं, फिर परिवार रहा जिसमें पुलिस सेवा में भी रहे हैं और आर्मी में भी रहे हैं। अभी मेरे एक कजिन जो हैं वो 3 महीने पहले कर्नल डोगरा रेजिमेंट से रिटायर हुए हैं। तो ये सब वातावरण घर का रहा है, और मोस्टली लोग सेना में रहे हैं परिवार से। सिर्फ मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रहा हूँ, मैं आईटी फील्ड का हूँ, मेरे पार्टनर भी आईटी फील्ड के हैं, तो हम लोगों को ये चांस भी मिला कि हम आधुनिकतम टेक्नोलॉजी जो भी इंट्रोड्यूस हुई है, चाहे वो एआई हो या डेटा माइनिंग हो, इनका यूज़ करते हुए वैसा कॉम्बिनेशंस और वैसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हम बना सकें जो बेहतर प्रोडक्ट आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकें। तो उसका फायदा हमने डायरेक्ट ये सोचे कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि हम इसका प्रॉफिट का 5% या एक उसका निश्चित करें जो हम सेना के जवानों के लिए या जो शहीद हैं उनके परिवार के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप दे सकें। इनिशिएटिव लिया गया है इस प्रोडक्ट को लेके, और साथ ही अगर गाने को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें, आपके विचार व्यक्त करना चाहें। इनका इनिशिएटिव तो अच्छा है ही, फिर भी इन दोनों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ऐसा काम करना बहुत ही बड़ी बात है। प्रॉफिट के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, फिर भी कम से कम जो बना रहे हैं ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे आप शहीद परिवार से है, मतलब उसके परिवार से तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसके लाइफ की वैल्यू वही जानता है, वो लाइफ खेलता है, मतलब उसके जाके खेलता है। और सॉन्ग, आई हैव रिटन सो मेनी स्टोरीज, मेट सो मेनी सोल्जर्स, बट आई वॉज ओनली एबल टू विजुअलाइज, टुडे मैंने देखा कि कैसे होता है। सो बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छा दोनों सब मिल के किया है, और दिस सॉन्ग विल बी वेरी वेरी फेमस। आई कांट से ओनली द फेमस, एज यू से द लास्ट वर्ड केम फ्रॉम हियर, सो इट विल टच द हार्ट्स ऑफ एन नंबर ऑफ पीपल। थैंक यू मैम, थैंक यू।